गाइस आपके पास पोको एक्स फोर प्रो 5G एंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G है तो आज की इस वीडियो को देखना गाइस। सो इस फोन के अंदर एक धासु सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। सो इस फोन के अंदर गाइस साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, आप लोग जानते हो गाइस। सो इस फिंगरप्रिंट के अंदर एक धासु सेटिंग मिलता है गाइस, जिस सेटिंग को ऑन करने के बाद काफी सारे जिसर फंक्शन को ऐड कर सकते हो। डबल टास्क करोगे जैसे कि देख सकते हो कैलकुलेटर ऐप ओपन हो जाता है, एंड फिर से डबल टास्क करता हूँ जैसे कि देख सकते हो फ्लक्स लाइट ऑन हो जाता है गाइस। सो इस तरीके से काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर को आपके फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर एक्टिवेट करके रख सकते हो गाइस। सो आज के इस वीडियो में बताएंगे गाइस इन सारे शॉर्टकट सेटिंग के बारे में बताऊंगा गाइस। अगर आपके पास पोको एक्स प्रो 5G एंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G है गाइस, सो वीडियो कंप्लीट देखना गाइस। सो इसको करने के लिए जस्ट आपकी फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना पोको एक्स प्रो 5G के अंदर। सो उसके अंदर सेटिंग में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। सो उसके अंदर एक मिल जाएगा सेटिंग मिल जाएगा जिसका शॉर्टकट जैसे कि देख सकते हो ये वाली ऑप्शन मिल जाता है आपको, जस्ट उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे क्लिक कर दोगे गाइस इसके अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑन टॉस। सो ये बेसिकली गाइस Xiaomi के हर डिवाइस के अंदर ये वाली ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली गाइस आपकी पावर बटन दो बार प्रेस करना होता है आपकी फिंगरप्रिंट ऑन हो जाता है गाइस। सो इसको साइड में रखता है। एंड गाइस इसके अंदर एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि देख सकते हो डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, ये वाली ऑप्शन नया है गाइस। इसके अंदर जैसे क्लिक कर दोगे गाइस काफी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। सो काफी सारे जिसर मिल जाता है गाइस, इन सारे को एक्टिवेट कर सकते हो गाइस फिंगरप्रिंट के अंदर। एंड जैसे कि देख सकते हो मैं टर्न ऑन टॉस सिलेक्ट करके रखा है। एंड जैसे कि देख सकते हो मैं जस्ट यहाँ पर फिंगरप्रिंट के ऊपर टास्क करूंगा गाइस, एंड डबल टास्क पर करने पर मेरे फोन का जो फ्लक्स लाइट है ऑन हो जाता है जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे कि देख सकते हो मैं दो बार टास्क करता हूँ, मेरे फोन का जो स्क्रीनशॉट है वो गाइस ऑटोमेटिक ले लेता है गाइस, थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं गाइस। सो इस तरीके से पोको एक्स प्रो 5G एंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G के अंदर इन सारे जिसर को एक्टिवेट कर सकते हो, एंड काफी सारे हैंडी फीचर को यूज कर सकते हो गाइस। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर देना।